नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल जेएसडी विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। शिक्षा में शोध की महत्ता पर आयोजित हुआ सेमिनार, करीब 300 विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए शोध पत्र। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डीन ऑफ रिसर्च डॉक्टर एस के गहलोत ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। आप देख रहे हैं पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जेएसडी विद्यापीठ में स्थापित शिक्षण महाविद्यालय के सभागार कक्ष में आज दो दिवसीय शिक्षा इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रबंधन में नवीन अनुसंधान आज की आवश्यकता विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के पहले दिन चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय शिक्षा के डीन रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर एस के गहलोत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जेसीडी विद मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि इस सेमिनार में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से 300 से अधिक शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिसे लेकर प्रत्येक शोधार्थी के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में शोध के प्रति रुचियों को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में शोध करना अति आवश्यक है। सेमिनार के मुख्य वक्ता एस के गहलोत ने बताया कि शोध से नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। उन्होंने बताया कि आज जिस क्षेत्र में तरक्की हुई है उनमें से शोध कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं जेसीडी प्रबंधन निदेशक डॉक्टर समीन शर्मा ने कहा कि आज विद्यार्थियों के लिए लगातार शोध करना एक ज़रूरी विषय हो गया है और एक चुनौती भी है। उन्होंने बताया कि इनमें शिक्षक संस्थान में समय समय पर इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते रहे हैं ताकि शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा नए शोध कार्यों का अमूल्य योगदान प्रदान किया जा सके। आज का सेमिनार जो हमारा है वो इनोवेटिव रिसर्चेज इन एजुकेशन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसमें 300 से ज़्यादा हमारे पास पेपर आए हैं और इसमें सभी रिसर्चर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंसेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या क्या नई सर्च हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ वर्क होता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है, पीपीटी दिखाई जाती है, तो उसके माध्यम से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनवाइटेड स्पीकर हैं, आज हमने डॉक्टर एस के गहलोत जो कि डीन ऑफ रिसर्चेज हैं CDLU के, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनकी बहुत सारे विदेशों में उन्होंने काम किया है, तो वो जब बोलेंगे कीनोट स्पीकर हैं तो स्टूडेंट्स को नई नई बातों का पता लगेगा और अपनी रिसर्च में उसको अप्लाई करेंगे। देखो, ये कहते हैं कि वह आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, और जब भी कभी कोई भी नए काम के वो होंगे, इनोवेटिव आइडिया जो है इस तरह से आएंगे कि भाई लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। जैसे हेल्थ है या आपके नए ऑर्गन्स है, आप किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे किडनी में नए स्टेम सेल से आप नई किडनी बनने जा रही हैं, तो वो आपको इधर उधर वो करने के बजाय, डोनेट करने के बजाय आपने जो है वो लैब में बन के तैयार हो जाएंगे। एजुकेशन में इसलिए है कि भाई आप जब तक इनोवेटिव आइडिया से आप टीचिंग नहीं करोगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, तो आपका देश पिछड़ जाएगा। अपना जो है हमने हर हालत में जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं यहाँ जो नई जनरेशन जो है वो प्रोडक्टिव ब्रेन है, और वो प्रोडक्टिव ब्रेन जो है वो आपको अच्छे से अच्छे आइडियाज दे के देगी, जिससे आपके जो एजुकेशन इम्प्रूव होगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके जो है सारे जितने भी सोसाइटी से रिलेशन वो सारी चीज़ें वो इम्प्रूव होंगी। रिसर्च की ज़रूरत जो है मानव के सभ्यता के विकास में हर दिन हर पल रहती है। हम घड़े से जो डीप फ्रीजर तक पहुँचे हैं ये रिसर्च ही है। हम अगर हाथ के पंखे से कूलर या एसी तक पहुँचे ये रिसर्च ही है। रिसर्च से नए नए अनुसंधान कार्य होने से बहुत सारी नई चीज़ें जो मानव के, इंसान के जीवन को सुगम और बहुत ही कंफर्टेबल बनाती हैं, उसके लिए हर आयाम में अनुसंधान की बहुत ज़रूरत है। जो JCET बार बार इस तरह से सेमिनार करता है, इसमें हमारा मंतव्य यह है कि बच्चों के बीच एक बीज बोया जाए कि वो नई सोच के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि पुरातनता को तो एक जैसे सांप भी केचुली समझ के छोड़ देता है, उसी प्रकार से पुराने विचार या पुरानी शोध हमारे आने वाली शोध का आधार तो हो सकती है, लेकिन नए बीज, नई सोच, नई विचारधारा, नई नीति रीति उनको सिखाने के लिए इस प्रकार के जो सेमिनार हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।